इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। तो XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। एंड HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML वाज डिजाइन टू डिस्क्राइब डेटा एंड टू फोकस ऑन व्हाट डेटा इज। तो XML क्यों डिज़ाइन किया गया था? डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, कौन सा डेटा यूज़ किया जा रहा है वेबसाइट में, और सिर्फ डेटा पे फोकस करती है XML। जबकि HTML क्यों डिज़ाइन की गई थी? HTML वॉज डिज़ाइन टू डिस्प्ले डेटा एंड फोकस ऑन हाउ डेटा लुक्स। डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसके लिए डिज़ाइन किया गया था HTML को। XML was designed to store data and transfer the data. XML को क्यों डिज़ाइन किया गया है? डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए। और HTML को डिज़ाइन किया गया था टू डिस्प्ले डेटा। ठीक है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए HTML डिज़ाइन की गई है, और डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए XML डिज़ाइन की गई है। इन XML यू कैन डिज़ाइन योर ओन टैग। XML में आपको खुद के टैग्स क्रिएट करने होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जबकि HTML में क्या होते हैं? हैज़ प्री डिफाइंड टैग्स। उसमें हम प्री डिफाइंड टैग्स को यूज़ करके कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाते हैं वेब पेज पर। XML प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग मार्कअप लैंग्वेजेस। तो XML एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मार्कअप लैंग्वेजेस डिफाइन हो सकती हैं। जैसे अगर मैं कोई एक नई लैंग्वेज डिज़ाइन करना चाहती हूँ और उसमें अलग टैग्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ XML। HTML क्या है? इसे मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, जबकि XML क्या है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है मार्कअप लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए। XML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नॉट अ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। XML ना तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना ही कोई प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। ये क्या है? सिर्फ इसका यूज़ है डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने का। HTML इज़ ए प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। ये प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, मतलब डेटा वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे फॉर्मेट करके डिस्प्ले करना है, वो हम HTML के थ्रू करते हैं। XML इज़ केस सेंसिटिव। XML क्या है? केस सेंसिटिव है, जबकि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। ओपन टैग का नेम आपने स्मॉल में लिखा है और फिर क्लोजिंग टैग में आपने उसे कैपिटल में लिख लिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको इसे भी स्मॉल में लिखना पड़ेगा, जबकि HTML में ऐसा नहीं है, वो कैस सेंसिटिव नहीं है। XML इज़ ए स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। ये एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, ये सारे रूल्स को फॉलो आपको करना पड़ता है जो भी इसमें डिफाइन है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो एरर मैसेज आएगा, जबकि HTML क्या है? HTML इज़ नॉट ए स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। XML इज़ यूज टू ट्रांसफोर्ट डेटा बिटवीन दी एप्लीकेशन एंड दी डेटाबेस। तो जब भी किसी एप्लीकेशन का डेटा हमें डेटाबेस में ट्रांसमिट करना होता है तो XML का यूज़ किया जाता है। HTML इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग ए वेब पेज टू बी डिस्प्लेड ऑन दी क्लाइंट साइड। HTML का यूज़ क्या है? एक वेब पेज को डिज़ाइन करना जिसको क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले किया जाता है। इन XML ईच टैग मस्ट हैव क्लोजिंग टैग, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। तो XML में हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होगा, अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाते तो आपको एक एरर मैसेज आएगा, जबकि इन HTML सम टैग्स आर यूज विदाउट क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग है ही नहीं, और अगर जिनका क्लोजिंग टैग है भी और अगर हम भूल जाते हैं तो भी ब्राउज़र कोई एरर नहीं देता है। तो इफ़ यू फॉरगॉट टू क्लोज एनी टैग, एरर मैसेज विल नॉट बी शोन। तो अगर आप कोई क्लोजिंग टैग लगाना भूल भी जाते हो तो कोई एरर मैसेज आपको नहीं शो नहीं होगा। HTML इज स्टैटिक बिकॉज इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा। तो HTML जो है वो एक स्टैटिक लैंग्वेज है, क्योंकि वो सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। XML इज़ डायनामिक बिकॉज इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट डेटा, क्योंकि XML के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, इसीलिए XML जो है वो डायनामिक है। XML प्रिजर्व वाइट स्पेसेस। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज हो गई हैं, यहाँ पर HTML के नीचे लिखना इसको और इसको XML का इधर लिखना। XML में अगर आप कोई वाइट स्पेस देते हो तो वो भी प्रिजर्व होता है, जबकि HTML डज नॉट प्रिजर्व वाइट स्पेस। आप उसमें कोई वाइट स्पेस देते हो तो वो प्रिजर्व नहीं होता है। XML फाइल एक्सटेंशन इज डॉट XML। XML की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट XML। और HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट HTML। तो ये मेन डिफरेंसेस थे HTML और XML में।